quite that was replica of Char Dham, which is also known as Siddheshwar Dham. So this place, Siddheshwar Dham, you can see at the back. And this place, Siddheshwar Dham, also known as Char Dham, is 5 kilometers away from Namchi town. And Namchi is in South Sikkim, which will take you almost 3 hours by road from Gangtok. So right now I'm at Siddheshwar Dham, Char Dham, and just back at the backside, you can see the statue of Lord Shiva, which is 87 feet tall. And this place has got 12 Jyotirling temple. 12 Jyotirling temple is here, and also Sai Mandir is there, Badrinath is there, and other temples are also here, all together in one place. So I would like to invite all the people, those who are watching right now, to please visit Sikkim, and please do visit Siddheshwar Dham, Char Dham. Alright, on my way to Siddheshwar Dham, which is also known as Char Dham, I have come across 5 beautiful couple here, which you can see over here, 5 beautiful couple. So I want to you know, ask their experience over this place. Sir, आप सबको स्वागत है हमारे पेज, जिसको हमारा पेज फेसबुक पर, और पेज का नाम है हंगरी ट्रैवलर ऑफ सिक्किम। सर, आप कहाँ से और आपका नाम बता दीजिए। सर, हम लोग बेंगलोर से हैं, और मेरा नाम पद्मराज जैन है। हम लोग बेंगलोर से 3 कपल हैं, एक हमारे दोस्त इंदौर से हैं, एक सूरत से हैं। हम पांचों ने मिलकर प्रोग्राम किया है। हम बागडोगरा एयरपोर्ट से यहाँ पे गैंगटॉक घूमने आए थे। यहाँ के लोग, यहाँ का जगह, यहाँ का मौसम, तीनों इतने सुहाने हैं कि देखने लायक है। देखो तो देखते रह जाओगे। और यहाँ आने की सीज़न मार्च से चालू होती है और लास्ट मई जून तक रहती है। कृपया आप सब लोगों से निवेदन है, जब भी आओ यहाँ का मौसम का आनंद लो, लुत्फ़ उठाओ। हमको तो बहुत मज़ा आया। सर, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, सर आपका नाम और आपका मेरा नाम पृथ्वीराज जैन है। थोड़ा ऊपर को। मेरा नाम पृथ्वीराज जैन है। और आप कहाँ से सर? हम लोग बेंगलोर से हैं। सो आप यहाँ सिक्किम पर कब आए सर? हम सिक्किम में 10 तारीख को आए थे। अच्छा सर। हम लोग अभी गंगटोक पूरा घूम के आए हैं। आज हम हमारा इधर चारधाम का अपना विजिट का था, चारधाम आए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही धार्मिक जगह है, बहुत ही मेंटेनेंस की हुई जगह है, और देखने को भी आनंद है। और सारे मंदिर भारत के इतिहास के, जो चारों तरफ के जो मंदिर है वो इधर बने हुए हैं, उसको देखकर बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, काफ़ी अच्छी जगह बनाई है वो, काफ़ी ऊंचाई पर भी है, मौसम भी सुहाना है, आनंद बहुत आ रहा है यहाँ घूमने का। और चाहेंगे कि एक बार फिर दोबारा कभी आए फिर आप। और यहाँ मैम को पूछना चाहता हूँ, सर को आइए। सर, आपका नाम? नरपत जैन। नरपत जैन, हम सूरत से आए। अच्छा सर। सर, आपको यहाँ का लोकल लोग, मतलब यहाँ का जो लोकल पीपल है, कैसा लगा सर? बहुत जोरदार है, लोकल के बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के, और चेहरे पे पूरा स्माइल रख के ही बात करते हैं, और हर चीज में एकदम बढ़िया से सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा सर, जितना भी अभी हम लोग को अभी ये जो वीडियो देख रहा है, आप जितना भी लोग देख रहे हैं अभी, ये वो लोग को कैसा मैसेज, कैसा संदेश देना चाहते हैं सर? हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि सिक्किम जो पैलेस है इंडिया की, बहुत ब्यूटीफुल है, और यहाँ के लोग बहुत हेल्पिंग नेचर वाले हैं। और ये जो चार धाम की यात्रा है, वास्तव में अद्वितीय है, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है, हमने ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं था। और यहाँ के लोगों से मिलकर भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सिक्किम का कल्चर हमारे लिए नया है, और यहाँ की जो उतार चढ़ाव वाले रोड भी हमारे लिए पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है, इतना जोरदार एक्सपीरियंस हुआ है, ये बहुत हमारे लिए नया है, और लाइफ में एक बार इधर जरूर आना चाहिए। इधर का मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना है। ठीक है सर। इधर का मौसम हमको बहुत सुहाना लगा, और बार बार आने की मन के अंदर बार बार आने की आस जाग रही है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फिर वापस एक बार सिक्किम की यात्रा करें। मैं
इस जगह में दूसरी बार आई हूँ मैं। 2012 में भी यहाँ पे आके गई थी, यहाँ पे सभी दर्शन वगैरह करके गई हूँ मैं। हमारी फैमिली पूरी सब यहाँ पे आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का नेचर वगैरह सब, इसलिए दूसरी बार और तीसरी बार भी आने की इच्छा है, क्योंकि दो बार है अभी तक नाथुला जाने का हमारा हुआ ही नहीं है संजोग, इसलिए बहुत इच्छा है कि नाथुला जाके आए तीसरी बार आए। तो हम चाहते हैं कि यहीं पे इंडिया में ही शूटिंग वगैरह होनी चाहिए, अपने अपने इंडिया ही इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है कि यहीं पे सब करना चाहिए, क्यों बाहर लोग जाते हैं। और मैम लास्टली जो आपको अगर क्लीनिनेस के बारे में आपको बोलना पड़े तो क्या आपको बोलना? यहाँ पे तो बहुत क्लीननेस है गंगटोक में, सिक्किम में तो बहुत ही क्लीननेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का क्लीनिंग से। तो यहाँ का सिस्टम है, हमको ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा लगा, जितने भी गाड़ी चलती है लाइन से लाइन चलती है, कोई टेक ओवर नहीं करता, उनको आगे पीछे नहीं करते हैं, और सबसे अच्छा देखा रूल्स फॉलो बहुत ज़्यादा करते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर गाड़ी को हॉर्न नहीं बजाता है, इतना आराम से डिसिप्लिन से चलते हैं। तो ऐसा महसूस रहा जैसे कि हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में एक जगह है। तो आप सब लोग आ गए यहाँ पर देखे ये, और बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या प्योर वेजिटेरियन जैन रेस्टोरेंट हर टाइप के अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब लोगों को ये रूल फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप लोग को कि आप लोग का प्रेशियस टाइम हमको दिया, हमारे पेज को दिया, थैंक यू वेरी मच। और आपका हैव अ वेरी गुड स्टे इन सिक्किम। एक बार मैं बोल सकता हूँ, चांट कर सकता हूँ? आप भी बोलेंगे सब? हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। I would like to take you guys up there and show you the whole Chardham. So this is Jagannath Dham temple, which you can see over here. Jagannath temple. And this temple is Badrinath temple. And you can see the Dwarka Dham. Sai temple is also there. And you can see the 87 feet tall statue of Lord Shiva. And you can see 12 Jyotirling temples. And this first temple and and you can see here Somanatha Jyotirlinga. This is Somanath Jyotirlinga temple. And this is number 2 Jyotirlinga temple. And this is called as Mallikarjuna Jyotirlinga. Mallikarjuna Jyotirlinga. So the number third Jyotirlinga temple, which is called Mahakala Jyotirlinga, Mahakala Jyotirlinga. So after this number third Jyotirlinga, you can see here the fourth Jyotirlinga temple, and it's called Omkareshwar Jyotirlinga. This is Omkareshwar Jyotirlinga. And you can see the fifth Jyotirlinga temple you can see here, and this is
बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग. सो द फिफ्थ ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग. आफ्टर दिस द सिक्स्थ ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज हियर एंड इट्स कॉल्ड भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग. यू कैन सी देयर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग. सो यू कैन सी अनदर नंबर सेवन द सेवेंथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल ओवर हियर एंड इट्स कॉल्ड सेतु बंद रामेश्वरम. सो दिस इज द सेवेंथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल एंड इट्स कॉल्ड सेतु बंद रामेश्वरम टेम्पल. सो आफ्टर सेवेंथ हियर कम्स द एथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल. So the today the day is also very sunny, and the eighth Jyotirlinga temple you can see here, it's called Sri Nageshwar Jyotirlinga. Sri Nageshwar Jyotirlinga. And the ninth Jyotirlinga temple is over here, and it's called Vishveshwara Jyotirlinga. So this is Vishveshwara Jyotirlinga temple, the ninth Jyotirlinga. And this is the tenth Jyotirlinga temple, and it's called Sri त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग. श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग. एंड डाउन देयर यू कैन सी द इलेवेंथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल. वेरी ब्यूटिफुल. ऑल द ज्योतिर्लिंग temple is constructed in the same way, same color. And this is the 11th Jyotirlinga, and it's called Kedareshwar Jyotirlinga. And finally, the last Jyotirlinga, which is the 12th Jyotirlinga temple. You can see here, finally, the last 12th Jyotirlinga temple. It's called Ghushmeshwara Jyotirlinga. Okay, those were like 12 Jyotirlinga temple. And this 12 Jyotirlinga temple we can find in one place, and this is once again in one place. There is 12 Jyotirlinga, and the place is called Sideshwar Chardham. And you can see a lot of like guests coming all the way from other states of India, having their time. Hello. Yes. And we can see the guests from other states of India having a good time wearing the traditional bhotia Nepali attire. And you can see over here, and you can even see the guests from other states posing for the photo shoot. My name is Pooja, I'm coming from Bangalore. My name is Sudhir, I'm coming from Bangalore too. This is the first time in Sikkim or what? Yeah, yes. First time we are visiting Sikkim. And what about Namchi, this place? Like, you just arrived today or yesterday? What? No, we just arrived today. Okay, so how do you find this place? Beautiful. Beautiful. This is out of the world. Okay, sir. You can see that it's a God shopping complex. You can get everything at one place, and it's beautiful. So what kind of messages do you want to give for those who are watching us right now?
do visit, must visit. Yeah, must visit Sikkim. Beautiful state, beautiful people. I never find so people so polite here. Everyone, the hotels are good. Everything is pretty good here.